3 bedroom house plan design, 25 feet 0 inch and 42 feet 0 inch. Okay, 42 feet 0 inch. Total square feet, that's the entry. Back side, okay, yahan par door. Next, D door. Okay, D1, D, D door yahan, gate. Next इधर D, okay. Next आप यहाँ पर जो planning है three bedroom का planning, इसको हम start करेंगे. इसको start करने से पहले कुछ color यहाँ पर हम add करेंगे, ठीक है. तो कैसे करना है तो देखिए एक बार. तो यहाँ पर जो है bedroom का वो outside wall, three bedroom के साथ दो toilet एंड बाथ, उसके साथ वन किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, सब कुछ है इसके साथ, ठीक है. ये पर इंटरनल पार्टीशन वॉल, आउटर पार्टीशन वॉल, बैक साइड में एक डोर पीछे जाने के लिए, ठीक है. यहाँ पर इधर से आपको इंटरनल पार्टीशन वॉल भी दिखाई देगा. तो यहाँ पर हम दो विंडो प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हॉल रूम रहेगा इसलिए, ठीक है. तो चलिए इसका जो फ्रंट साइड है इधर भी हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, इधर जो है इधर भी हम विंडो प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट इंटरनल पार्टीशन वॉल 125 mm वॉल मिलीमीटर और फीट इंच में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको 5 इंच हमें मिलेगा, ठीक है, 125 का. और यहाँ पर जो डोर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 feet वाइड डोर, इसका मतलब 900 mm वाइड. तो यहाँ पर देखिए ऐसे, ठीक है. तो इंटरनल पार्टीशन वॉल जो है यहाँ पर हमने कर दिया है. उसके बाद यहाँ पर डोर के बाद विंडो हमें ऐसे ही मिलेगा, जो वाइट पोर्शन यहाँ पर हमने अभी छोड़ के गया है उसको हम विंडो लिख के यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. तो इसमें से हमें थोड़ा सा विंडो का भी प्रोविजन मिलना चाहिए, एयर वेंटिलेटर और इसका घर के अंदर लाइट आने के लिए हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है. आपके पास अगर कोई ऑप्शन रहेगा आप इसको चेंज करके बिल्डिंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर हम ऐसे वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे और इधर से भी एक वेंटिलेटर, ठीक है. नेक्स्ट इधर विंडो, इधर विंडो, इधर विंडो, हो गया. बिल्डिंग प्लान के अंदर सब कुछ धीरे धीरे करना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग प्लान को देख के आप घर बनाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा. थोड़ा सा आपको देखना चाहिए जो आपका घर है और जो प्लॉट है इसका हिसाब से बिल्डिंग प्लान सही है गलत है, आपको थोड़ा सा इसको देख के घर बनाना है. ऐसा नहीं है कि आपको आप देख के चला गया तो आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई ऐसा नहीं मिलता है. आपको जस्ट इसको वॉच करना होगा, धीरे धीरे देखना होगा सही है गलत है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है. तो इसके बाद हम इसका डिटेलिंग करेंगे. क्या है डिटेलिंग देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर पोर्च एरिया, एंट्री, ओके, इधर एंट्री, ओके. नेक्स्ट यहाँ पर जो है गेट डालने के बाद यहाँ पर स्टेयर प्लस हॉल, स्टेयर हॉल 3 feet वाइड एंड 3 feet, इधर 3 feet, इधर 3 feet. इसका जो एरिया है 4 feet 7 inch, ठीक है. यहाँ पर 11 feet 10 inch, 11 feet 10 inch, और इधर टोटल डिस्टेंस 7 feet 2 inch,
7 फीट 2 इंच इधर डिस्टेंस, तो ऐसे करके डिस्टेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, ओके बेडरूम, तो बेडरूम के साथ एक बैल्कनी फ्रंट साइड में। बेडरूम के साथ बैल्कनी देने से क्या होता है, आपका जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ही अच्छा आएगा। 12 फीट 0 इंच इधर, ओके, और इधर आपको मिलेगा 12 फीट, ओके 12 फीट 0 इंच बाई 12 फीट 0 इंच। तो उसके बाद यहाँ पर और एक बेडरूम, यहाँ पर 3 बेडरूम हमने बिल्डिंग प्लान के अंदर प्रोवाइड किया है। तो 12 फीट इधर और इधर भी 12 फीट, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है 12 फीट 0 इंच। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, ओके डाइनिंग एरिया, डिस्टेंस यहाँ पर 11 फीट 9 इंच एंड इट टोटल डिस्टेंस 15 फीट 10 इंच, 15 फीट 10 इंच। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर अटैच टॉयलेट, ओके डिस्टेंस यहाँ पर 7 फीट 7 इंच एंड 5 फीट 6 इंच, ओके यहाँ पर जो है सेम ही रहेगा डिस्टेंस 5 फीट 6 इंच और यहाँ पर 4 फीट। यहाँ पर जो है 3 फीट वाइड एक पैसेज, जहाँ से आप जिस पैसेज से आप बाहर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है एंट्री इधर से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर किचन एरिया, किचन डिस्टेंस 8 फीट 4 इंच एंड इधर डिस्टेंस 7 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, तो बेडरूम 1, 2 एंड 3 12 फीट इधर 10 फीट 5 इंच, ओके तो हो गया हमारा डिटेलिंग। तो पोर्च एरिया का डिटेलिंग भी चाहिए आपको, 7 फीट 6 फीट 6 इंच, बैल्कनी एरिया भी 3 फीट 6 इंच, ओके 8 फीट, ओके डिटेलिंग। नेक्स्ट इसका रूल स्क्वायर फीट कितना है, देखिए इसका स्क्वायर फीट 1050, ओके स्क्वायर फीट एरिया। तो बिल्डिंग का जो आउटसाइड वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, इंटरनल वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, इधर का जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, ओके उसके बाद इसका जो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके 15 16 17 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम ऐड करेंगे। कॉलम साइज कितना रहेगा यहाँ पर हम लिखेंगे, कॉलम स्क्वायर जो है रेक्टेंगल 10 बाई 12 इंच का कॉलम, 4 नंबर्स 12 mm, तो और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही था कॉलम का डिटेल्स। तो वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चलते हम नेक्स्ट वीडियो पर।